भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आईटीआई विभाग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आईटीआई विभाग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद कह दिया तो जिम्मेदारी है। यहाँ पर उपस्थित संयुक्त निदेशक, सभी उप निदेशक, सहायक निदेशक, सभी प्रधानाचार्यगण, सभी संवर्गों के पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे साथी और इस हॉल में एक उत्तम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हमारे महिला व्यक्ति और अंकाजी और अन्य सभी लोग, मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस पर, आजादी के अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये मातृभूमि हमारी है, इसने हमें अन्न दिया है, इसने हमें जन्म दिया है, इसने हमें प्राणवायु दी है, हम इसको बारंबार नमन करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं, जैसे हम अपने माता पिता अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही हम अपने जन्मभूमि भारत भूमि को प्रणाम करते हैं, जिसकी सदियों से गाथाएं चारों लोक में, पूरे विश्व में दी जा रही है। सबसे पुरानी संस्कृति का देश, सबसे पुराने सभ्यता का देश, वेदों पुराणों का देश, आज में वैज्ञानिकों को सारे उन्नत उपकरण होते हुए, सारे उन्नत वैज्ञानिक संसाधन होते हुए वो कर नहीं पाते हैं। उनकी गणना उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने तब समय कहती थी कि कौन सा कि सूर्य यहाँ से कितना दूर है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या संबंध है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या संबंध है, ग्रहों और नक्षत्रों के बीच में क्या संबंध है, नक्षत्र कितने हैं, ग्रह कितने हैं, क्या उनका पृथ्वी पर प्रभाव है, उसको कहने वाले ऐसे ऋषि मुनियों के देश में, ऐसी सभ्यता के देश में हम बारंबार अपना जन्म लें, इसीलिए पुनः इस मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। इस मातृभूमि के इस नए समय कालखंड में, जिसमें कि हम एक आजादी, खासतौर से लोकतांत्रिक आजादी के समय पर 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, अब 76वां वर्ष में हम प्रवेश, सावन क्रांति के क्रांतिकारी बागेश्वर की पवित्र भूमि से जो एक संदेश उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुली बेगार आंदोलन इस सिलसिले में दिया था, और हम दूर क्यों जाएं, हमारी मातृभूमि और हमारी जो राज्य है उसमें ही हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऐसे सभी को मैं प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर उनको नमन करता हूं। साथ ही साथ जैसा अभी राजेंद्र भतौरिया जी ने कहा था, हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र है, इसको मजबूत है। यहाँ से लगभग 70 के आसपास बलिदानियों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे, उनमें से एक हमारे बगल के नैनीताल के मेजर राजेश अधिकारी हुआ करते थे, जो कि कारगिल युद्ध में जो सबसे पहली आहुतियां थी उनमें मेजर राजेश अधिकारी का बलिदान हुआ था। उन्होंने अपनी शहादत दी थी। महावीर चक्र देश का युद्ध काल का दूसरा सबसे बड़ा चक्र, और उसके बाद अगर आए पुलवामा का जब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद दो दिन बाद ही मेजर विभूति जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनको शांति काल का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार शौर्य चक्र दिया गया था। ऐसे ऐसे विभूतियां हमारे राज्य ने जन्म दी। जहां माधव सिंह की बात करते हैं, माधव सिंह की बात करते हैं जिसको उस समय का परमवीर चक्र, जिसको कि विक्टोरिया क्रॉस कहा जाता था, वो दिया जाता था, तो उसी परंपरा में रहते हुए हमारे प्रदेश में कई लोगों को जानकारी नहीं होगी
मोहनगिरी गोस्वामी, लांसनायक मोहनगिरी गोस्वामी, जिनको अशोक चक्र मिला था, बिल्कुल पास के हैं आपके हल्दू चौड़, बिल्कुल पास के हल्दू बिंदु कत्तर, और उनको अशोक चक्र मिला था। और जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए बता दूं, अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, यानी युद्ध काल में जो परमवीर चक्र का स्थान है वही शांति काल में अशोक चक्र का है। ऐसे ऐसे भारतीय, ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे योद्धा हमारी धरती ने जन्मे हैं, और वो सब हमारे अपने परिवारों के, आसपास के परिवारों के, इनके लोग हैं। मैं जो लालदायक मोहन गोस्वामी की जो शहादत हुई थी, तब मैं उनके परिवार से उसके बाद मिलने के लिए मैं आया था। और जिस परिवेश में हम रहते हैं, ये वीर सेनानी हमें प्रेरणा देते हैं और हमें इस आजादी को अक्षुण्ण रखने की एक लालसा देते हैं, एक हमें इच्छा हमारे अंदर बलवती करते हैं। लेकिन ये सारी आजादी का मतलब तब तक नहीं है जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझे। हमारी आजादी हमें जश्न मनाने का, हमारे आजादी का दिवस हमें जश्न मनाने का एक अवसर देता है। जिस प्रकार से हम अपने अन्य त्योहार मनाते हैं, इसी प्रकार से राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अपने त्योहारों में हम एक अपने कर्तव्य को मानते हुए पूजा पाठ आदि करते हैं, इसी प्रकार से हमारे जो आजादी के त्योहार, आजादी के जो इस दिवस पर या अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर जो हमारे कर्तव्य हैं, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी को एहसास कराने के लिए भी है। तो जश्न के साथ जिम्मेदारी, ये हमारा एक मूल मंत्र होना चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में, इस प्रकार के आयोजनों में। यानी जो स्वतंत्रता हमें दी है हमारे सेनानियों ने, और जिसको अक्षुण्ण रखा है हमारे वीर सपूतों ने अपने जान कुर्बान करके, अनुशासन भी बना करके रखे। तो साथियों, मैं आपसे एक परिपक्व आचरण की उम्मीद करता हूं, और मैं स्वयं भी एक परिपक्व आचरण की स्वयं से अपेक्षा करता हूं। अपने पड़ोसी सभी राष्ट्रों से बहुत भाग्यशाली रहा है कि उसे निरंतर दूरदर्शी और परिपक्व नेतृत्व मिला है। 75 वर्षों में इस यात्रा में हमने एक से एक कुशल राजनीतिज्ञों के संरक्षण में अपने देश को आगे बढ़ाया है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो सुदृढ़ चाहे का, लेकिन एक आर्थिक रूप से भी हमारा पूरा रिवाइवल हुआ है। हमने तीव्र आर्थिक विकास की ओर को कदम बढ़ाए हैं, और विशेष तौर पर जब से 1991 के बाद से हमारी इकोनॉमी ओपन हुई है, तब से हम विश्व के साथ कदमताल करते हुए तीव्र आर्थिक विकास कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, कृषि का विकास हुआ है, ह्यूमन इंडेक्स को हम उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस सब में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, इस सब में फिर वहीं पर आऊंगा कि हमारा यानी हमारे विभाग का कौशल विकास का और रोजगार का बहुत बड़ा एक योगदान है। अगर कौशल विकास नहीं होता तो शायद अंतरिक्ष में हम सबसे अग्रणी देशों में नहीं होते। कौशल विकास नहीं होता जिस भी क्षेत्र में, वो उच्चतम स्तर का कौशल विकास है जिसको आप PSQF लेवल कहते हैं, हो सकता है वो PSQF लेवल जो है 20 हो। आज जो 5 IIT में पढ़ाते हैं, 10 IIT में पढ़ाते हैं, 15 MIT में पढ़ाते होंगे, तो अंतरिक्ष वाला है 20 रहा होगा। लेकिन है कौशल विकास का, रोजगार का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। कब भी जाते हैं पता नहीं चलता। आप सब लोग 1957 में क्या, 97 में क्या करते थे, 1997 में क्या कर रहे थे, गौर करिए। और वहां से अभी आप 2022 में आ गए। अब आप आइए ITI पे, अब आप ITI पे आइए। 1997 में जो ITI की स्थिति थी, क्या वो बदली है?
त्रिपाठी जी, क्या वो बदली है? गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण के मामले में आज भी किसी पुराने आदमी से, इनसे, आपसे, किसी और से जो 27 साल पहले, 25 साल पहले नौकरी कर रहा था, उनसे पूछिए, उस समय आईटीआई की वैल्यू थी? उस समय आईटीआई में जो प्रशिक्षण किया जाता था वो वास्तव में ऐसा प्रशिक्षण था जो आपको रोजगार के लिए ले जाता था। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर गलत हो तो बताइए। आज का क्या प्रशिक्षण हमें आईटीआई में उस गुणवत्ता पर, जिसमें कि अब हम 21वीं सदी में 2022 में आकर के कहें, हम ये नहीं कह रहे कि सर उस समय की मशीनें आप आज लगा दीजिए, आज तो आज की होंगी, लेकिन उस समय की जो टीचर्स में जील थी, उस समय की जो प्रिंसिपल्स में जील थी, उस समय के जो कर्मचारियों में जील थी, उस समय के जो स्टूडेंट में जील थी, उस समय आईटीआई के प्रति जो क्रेज था, क्या वो आज है? निश्चित तौर पर आप इसके बारे में बहुत मुतमईन नहीं होंगे। तब मैं कह रहा हूं 25 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं होता, कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि आज तो हम आजादी के जश्न में हो रहे हैं और 2047 जब आए हम पीछे मुड़ करके यही बात कोई यहां पर खड़ा करके डायरेक्टर फिर से कह रहा हूं कि हमने ये 25 साल गवा दिए। मैं मानता हूं कि ये 25 साल जो हमारे चले गए, इसमें हमने आईटीआई को जिस रोल मॉडल पर पहुंचाना चाहिए था उस पर पहुंचाने के लिए बहुत और प्रयास करने की जरूरत है ना। इसलिए जो 3 साल का टारगेट है, ये इसको मान के चलिए कि ये 5000 मीटर की रेस थी जिसमें आपको सिर्फ 200 मीटर और या 300 मीटर और दौड़ना है, और उसके लिए अपनी जी और जान सब कुछ लगा दीजिए। इस समय ये मत सोचिए कि मेरा प्रमोशन टाइम पे नहीं हुआ, मैं इस समय दुर्गम में हूँ, मैं परिवार के साथ में जो है थोड़ा दिक्कत हो रही है, बाकी सारी चीजें हो रही है। इस समय ये मत सोचिए कि साहब जो है डायरेक्टर जो है बहुत सहयोग नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, महेंद्र अपना काम करेंगे, त्रिपाठी जी अपना काम करेंगे, और जब सब अपना काम करेंगे तो जो आपके ग्रीवेंसेस हैं वो भी पूरी होंगी। यहाँ पर स्पोर्ट के प्रधानाचार्य, मैं चाहता था कि इस बार इनका दुर्गम से सुगम में हो जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास एक व्यवस्था है, उसमें एक परसेंटेज है, उसके बाद पात्र में से भी 15% है, लेकिन क्या इन्होंने अपना काम करने से मना कर दिया? नहीं किया, इन्होंने फिर भी अपनी लगन से उस आईटीआई में कार्य करते रहे, अपने कार्य में इन्होंने, अपने कर्तव्य में इन्होंने कोई शिथिलता नहीं बरती, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे ही बाकी लोग भी। लेकिन इस 3 साल में कुछ भी करके जैसे होता है ना, आदमी रिटायरमेंट से पहले 5-6 महीने पहले अपने सारे कागज पत्र संभालने लगता है, अब तो मुझे रिटायर होना है, जो उन्होंने जिंदगी भर काम नहीं किया होता है वो उस समय कर रहा होता है। आप समझिए कि 3 साल ये वो वाले हैं। हमारे लिए, राज्य के लिए, बाकी देश के लिए क्या होता है मुझे नहीं मालूम, हमारे देश के लिए 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे राज्य के लिए 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे देश के लिए ये 3 साल गुणवत्तापूर्ण हो जाएंगे अगर हम करेंगे तो। हो सकता है हमारा जो 47 का टारगेट है वो 30 में ही हम लोग कर लें, तो इसलिए मेरा आप सबसे अपेक्षा ये है कि हम इसके बारे में, लेकिन अब मैं एक ही को दे रहा हूँ उसका, नहीं तो अगली बार दे दूंगा तो अगली बार तो मैं गरीब सर हो जाऊंगा, अगली बार है ना। तो अगर मैं मनीषा को नहीं दे रहा हूं तो उसका कारण यह है कि मनीषा को अगली बार दूंगा, या आपके अध्यक्ष को नहीं दे रहा हूं तो इस बार इसलिए नहीं दिया कि इस बार ये अध्यक्ष है, चलो ये और लोगों को मोटिवेट करेंगे अगली बार देंगे, या किसी और के हरिद्वार वाले जो है, मैं तो चाहता हूं ऐसे नाराजगी बढ़े, मैं ये चाहता हूं हरिद्वार वालों को बताइएगा कि जो वो नाराज हो रहे हैं कि हमारे यहाँ से एक को ही मिला और हमको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, मैं चाहता हूँ कि ऐसी नाराजगी सब में बढ़े, बताए तो सही मैंने क्या तीर फाड़ा, मैंने कौन सा तीर मारा, कौन सा जो है ये करा, कितना मेरी क्षमता है, मेरी क्षमता में मैं उनको फिर बताऊंगा तुम्हारी अभी क्षमता और है। तो जानवंत बनिए आसपास, आप लोग जो आपके आसपास के जो हनुमान हैं उनको बताइए कि पवन तनय बल पवन समाना, ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी। तो जिन दिन को पुरस्कार नहीं मिला है वो हतोत्साहित ना हो लेकिन तड़पे जरूर, अगर आप तड़पेंगे तभी जाकर के डिपार्टमेंट का बोला, और ये तड़प हर किसी में होनी चाहिए, मेरे अंदर तो बहुत है, मेरे अंदर तो अब ये तड़प होने लगी है कि कुछ समय बाद मेरा इस विभाग से कहीं ना कहीं स्थानांतरण होना ही होना है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर क्या होगा, क्या आपके अंदर वो तड़प मैं छोड़ के जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो इसलिए आज मुझे मौका मिला है, हो सकता है 26 जनवरी को कोई और डायरेक्टर गए, हो सकता है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ये तड़प आपके अंदर होनी चाहिए। हरिशंकर परसाई एक
बहुत बढ़िया व्यंग्यकार हुए थे। उन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में एक बहुत बढ़िया बात कही थी और उसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। जो तड़प की बात है, उन्होंने कहा था कि अंग्रेज बड़ा कुटिल था और चालाक था, हमको जाड़े हमको बरसात में जाकर के आजाद कर दिया, जिस समय बहुत बरसात होती है और छाता अपने साथ ले गया। ठीक है, तो छाता हमने बनानी है, ताकि छाता ऐसी बनानी है कि पूरे राष्ट्र का ओढ़ सके, पूरे विभाग का ओढ़ सके, पूरे बेरोजगारी को हम दूर कर सके। और कहते हैं कि बरसात हमें जो है बारिश दी जाती है, भिगा जाती है, और जो 26 जनवरी है हमें इतनी ठंड दी जाती है कि हम ठिठुरते रह जाते हैं। उनका कहना यह था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हम मना तो जरूर लेते हैं, लेकिन इसका जो प्रतिफल है वो छाता के रूप में, उस गर्माहट के रूप में, वो हम दे पा रहे हैं साल दर साल नहीं दे पा रहे। ये आप लोगों को सोचना है, ये हमको सोचना है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत लंबा मैंने बोल दिया था, लेकिन बहुत शुभकामनाएं हैं। एक साल में मेरा साथ दिया, विभाग का साथ दिया इस कार्यक्रम के लिए। मैं विशेष तौर पर मरीन जी को, हमारे जॉइंट साहब को, असिस्टेंट डायरेक्टर को, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब को और बाकी सारी टीम को, इनकी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना एक भव्य प्रकार का एक कार्यक्रम आप लोग करेंगे। और ये कहते हैं कि जो है महिलाएं जहाँ जुड़ जाती हैं वहाँ उस कार्यक्रम में गरिमा आ जाती है। तो ये पूरी जो सजावट, मेरे आने के बाद ये हुआ, मेरे आने के बाद ये हुआ, मैंने ये करवाया, ये ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ आपको कैटलिस्ट की भूमिका निभाई थी। जो लोग साइंस पढ़ा होगा लोग जानते होंगे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट अपना वैसा ही रहता है, लेकिन रिएक्शन को बढ़ा देता है। पढ़ा नहीं साइंस में, आठवीं नवीं दसवीं में पढ़ा होगा, उत्प्रेरक कैटलिस्ट। तो मेरा कार्य सिर्फ उत्प्रेरक का है, जो अभी भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कैटलिस्ट वैसा ही रहता है, रिएक्शन बढ़ जाती है, और कैटलिस्ट अगर ढीला रहे तो रिएक्शन नहीं होगी। अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो मैं का मेरे पास जवाब होता है उस समय मैं जवाब नहीं देता था, लेकिन आज मैं जवाब देता हूँ कि आप क्यों नहीं कैटलिस्ट बने ना, आपको कैटलिस्ट बनने की जरूरत है। लेकिन मयंक जी और हमारी जो पूरी टीम है, ये बहुत ज्यादा जानदार टीम है, शानदार टीम है, इसके लिए एक बार जोरदार आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और आज मैंने मिठाई भी नहीं खिलाई है, इसके बाद मिठाई खिलाएंगे, इसके बाद होना है। चलिए ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था जो हो रही है वो इनके ही सानिध्य में हो रही है, क्योंकि बजट इन्हीं के पास है। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीआई विभाग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आईटीआई विभाग जिंदाबाद, जिंदाबाद।